फतेहगढ़ मंच परेड क्षेत्र के अमीरपुर में काटे हजारों हरे भरे पेड़, ग्रामीणों ने मुख्य वन संरक्षण अधिकारी के समक्ष लगाए वन कर्मियों पर आरोप। फतेहगढ़ वन परिधि क्षेत्र के अंतर्गत बीते माह से अब तक हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर लाखों हरे भरे पेड़ अतिक्रमणकारियों ने सफाए कर दिए हैं। हाल ही में फतेहगढ़ वन परिधि क्षेत्र की सबरेंज अमीरपुर के जंगल में बीचों बीच कई हेक्टेयर वन भूमि पर सैकड़ों पेड़ों को काटकर खेतों में तब्दील कर दिया गया है। इसकी सूचना पर जिलाधिकारी भी बीते दिनों कई बार दौरे पर पहुंचे थे। गुरुवार को वन विभाग कई वरिष्ठ अधिकारी कटाई स्थल का जायजा लेने पहुंचे, जो अपने विभाग की धूमिल छवि को स्थानीय ग्रामीणों के सामने साफ सुथरी बताते हुए कसीदे पढ़ रहे थे, पर मौका स्थल पर ग्रामीणों और पत्रकारों के सवालों से बार बार किनारा काटते रहे और अपनी एयर कंडीशन लग्जरी कारों से सभी को गुमराह करते हुए इधर उधर भटकते रहे। जबकि जिस स्थान पर बड़े पैमाने पर जंगल कटाई हो रही थी, वहाँ भोपाल से आए मुख्य वन संरक्षण अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ जाना उचित ही नहीं समझा। और पूर्व में मतलब 7-6 किलोमीटर 5 किलोमीटर मान लो, इतने दरमियान में पूरे जंगल बता तो मैं कटे हुए बिचौना हो रहा था। आज रात में भी कटे हुए जहाँ जंगल कट रहे हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अभी हम कहेंगे देखने, चलो देखने जाएंगे, इधर देख के भाग जाते हैं। अभी आपने साहब से बोला है कि वहाँ पर जाने का? पहले आए थे बोला था, जब देख के नहीं और ऐसे कर देते, कोई नहीं बोलेगा जिसके बोलेगा उसके साथ। पूरा के पूरा एक डिवीजन इस काम के लिए यहाँ पर है और जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिक्रमण यहाँ की एक बहुत पुरानी समस्या रही, लेकिन इसको रोकथाम करने के लिए जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो हमारा वन विभाग के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, निश्चय ही उसके परिणाम शीघ्र ही हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उसमें हर अंग से प्रशासन के जब सहयोग मिलेगा तो इस समस्या का, और ख़ासकर मेरे इनका आपका अभी उल्लेख किया कि जो आम जनता का जो कंसर्न है इस अतिक्रमण के खिलाफ, वो डेफिनेटली हमारे को अपना काम करने में बहुत अधिक मदद करेगा, क्योंकि जब तक के आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा जिनके घर के आसपास ही जंगल है, तब तक इसको स्ट्रिक्टली 100% कंट्रोल करना में विभाग थोड़ा सा हो सकता है पिछड़ जाए, लेकिन जब आप जैसे गणमान्य लोगों का सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि इस समस्या पे धीरे धीरे हम लोग रोक लगाने में सक्षम होंगे। लेकिन जैसे अब तमाम अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो है इस बार, अभी तक इस क्षेत्र में तो कभी इतना नहीं कटा है, ये क्या कारण रहा है कि इस बार इतना ज़्यादा जंगल यहाँ पर क्यों नहीं रोक पाए यहाँ पर विवाद? इसके तो बहुत सारे कारण हैं जो मेरे ख्याल से आप पत्रकार लोग भी समय समय पर आम जनता के सामने लेके आते हैं। कुछ ऐसे लोगों के बीच में भ्रांति बैठ जाती है कि अगर हम अभी आज ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे तो कभी ना कभी हमको मिल जाएगी, वो एक भी जनमानस में जो खासकर इस वर्ग के लोग हैं जिनके पास ज़मीन या तो नहीं के बराबर है या है, उनको ये आइडिया काफ़ी अपीलिंग लगता है, तो वो यद्यपि बहुत किसी भी नियम कायदे कानून के तहत वो मान्य नहीं है, परंतु ऐसी भ्रांति जब फैल जाती है तो उसको दूर करने में थोड़ा सा समय लगता है।